सूत्र का नाम क्या है? पियजातिक सूत्र। प्रिय चीज से जो मिलता है क्या? दुख मिलता है, उसी के बारे में बताया गया सूत्र। किस चीज के बारे में? प्रिय चीज से जो दुख मिलता है उसी दुख के बारे में बताया गया सूत्र। उस दिन भगवान बुद्ध रहते थे श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक आश्रम में। उस समय एक गृहपति, एक घर में रहने वाले एक आदमी का एकदम प्यारा एक लौता बेटा था, वो बेटा मर गया। क्या हो गया? मर गया। इसीलिए तो बच्चा मर गया, इसीलिए वो उसी कहा से कुछ तो कुछ भी बिजनेस वगैरह काम होता नहीं है, नहीं नहीं कर पाता है, दुख है ना, रोते रोते रहता है, बिजनेस नहीं करता है, नहीं खाता है, नहीं पीता है, कुछ खान पान भी नहीं लेता है। वो आदमी क्या करता है, जो बच्चा को गाड़ दिया है जमीन में, वहां बार बार जाके रोते रहता है, हे मेरे पुत्र तुम कहाँ हो, मेरे एक लौता पुत्र तुम कहाँ हो, ऐसे करके रोते रोते रोज जहाँ गाड़ दिया वहां जा करके रोता है, वापस आता है। उस दिन भगवान बुद्ध के पास वो एक दिन भगवान बुद्ध के पास वो आदमी आ गया। आदमी आकर के भगवान बुद्ध को वंदना करके एक और बैठ गया। बैठ के भगवान बुद्ध से वो आदमी पूछा था, है वो आदमी से भगवान बुद्ध ने पूछा, पुण्यवान गृहपति, गृहपति मतलब घर का मालिक, गृहपति पिताजी है ना, पुण्यवान गृहपति, आपका ये इंद्रिय अपना कंट्रोल में नहीं, देखने में लगता है आपका इंद्रिय आपका कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल नहीं मतलब आके एकदम मर गया जैसा, गिर के शरीर दुबला हो गया, कमजोर हो गया, आपका इंद्रिय बल बदल गया जैसा दिखता है। इंद्रिय मतलब आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, इंद्रिय आपका बदल गया जैसा दिखता है। वो बताया, हे भगवान बुद्ध जी, क्या मेरे इंद्रिय का बदलाव नहीं होना कमाल है, मेरा इंद्रिय का बदलाव होना ही पड़ेगा। भगवान बुद्ध जी, मेरा एक ही प्रेम प्यारा एक लौता बेटा, मेरा जिंदगी मर गया, देहांत हो गया, उसका मृत्यु के बाद से हमको कुछ भी काम नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, कम से कम हमको खाना भी नहीं खा सकता है, कान नहीं खा सकता है, कुछ पी नहीं सकता है, हमसे कुछ नहीं होगा। इसीलिए भगवान बुद्ध जी, हम क्या करते हैं दुख मिटाने के लिए, रोज रोज मेरे जो जहां बेटा को गाड़ दिया वहां जाकर मैं रोता हूँ, हे मेरे पुत्र तुम कहाँ हो, हे मेरे पुत्र, हे मेरे एकलौता पुत्र तुम कहाँ हो, ऐसे करके हम रोते हैं। भगवान बुद्ध ने बताया, पुण्यवान गृहपति, वो बात तो वैसे ही है, पुण्यवान गृहपति, शोक, रोआई, दुख, पछताव और चिंता, ये जो कुछ है ये सब कुछ प्रिय चीज से ही उत्पन्न होता है। जो प्रिय चीज है उसी में ही ये सब कुछ उत्पन्न होता है। क्या? शोक, रोआई, दुख, पछताव, चिंता, टेंशन, ये सब प्रिय चीज से ही उत्पन्न होता है। इसका तो बताया
तथागत प्रिय चीज से जो जन्म लेता है, प्रिय चीज से जो जन्म लेता बताता है शोक दुख रोय पछताव टेंशन ऐसा प्रिय चीज से होता है, लेकिन तथागत ये ऐसा नहीं है। प्रिय चीज से सिर्फ आनंद मिलता है, प्रिय चीज से दुख नहीं मिलता है, अफसोस नहीं मिलता है, प्रिय चीज से आनंद मिलता है। आनंद मतलब खुशी मिलता है, प्रिय चीज से तथागत खुशी मिलता है। ऐसे बोल भगवान बोल करके वो खड़ा होकर चल गया। उसको भगवान बुद्ध ने समझाने वाला था, वो बताया नहीं नहीं नहीं, प्रिय चीज से कभी दुख उत्पन्न नहीं होता, प्रिय चीज से सुख उत्पन्न होता है। देखने में सही बात जैसा है ना, प्रिय चीज से दुख सुख उत्पन्न होना पड़ेगा। उसी समय जुआ खेलने वाले लड़का लोग भगवान बुद्ध से कुछ दूर में ये घर जैसा दूर में जुआ खेल रहा था ये आदमी। वो उन लोग के पास जो जुआ खेलता है उन लोगों को क्या कहता है, जुआरी लोगों के पास गया। जाकर के उन लोग को बताया अरे यार हम आज श्रमण गौतम के पास गया। जा करके उनको नमन करके एक और बैठ गया। बैठने के बाद वो भगवान बुद्ध जी मुझसे पूछा क्या गृहपति आपका इंद्रिय अपना कंट्रोल में नहीं है ना, दुबला हो गया, कुछ दिक्कत थी क्या? इसका मैं बताया भगवान बुद्ध को जी तथागत ये ऐसा होना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा एक खिलौता बेटा, मेरा प्यारा बेटा मर गया। जहां वो गाड़ दिया वहां जाकर के मैं रोज रोज रोता हूँ, मेरे जान मेरे दिल तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, इसे हम मैं रोता इसे मैं बता। इसके बाद उन्होंने बताया गृहपति वो बात तो सही है, प्रिय चीज जो प्रिय है उसी चीज से शोक दुख रोय पछताव चिंता टेंशन ये सब कुछ प्रिय चीज से उत्पन्न होता है। इसके बाद मैं बताया हाँ हाँ प्रिय चीज से दुख का उत्पन्न होता है, प्रिय चीज से मजा मिलता है, प्रिय चीज से खुशी मिलता है, प्रिय चीज से आनंद मिलता है। ऐसे करके हम उसी जगह से उठ के चला आया। वो लड़का लोग बताया गृहपति अरे यार वो बात तो वही सही है, प्रिय चीज से सिर्फ खुशी उत्पन्न होता है, दुख नहीं उत्पन्न होता है। कौन बताए प्रिय चीज दुख उत्पन्न होता है, प्रिय चीज से आनंद मिलता है। इसके बाद वो गृहपति सोचा अरे बाप रे इन लोगों को बात मेरे बात के साथ मिलता जुलता है। ऐसे करके पूरा हल्ला गुल्ला हो गया हर जगह में, भगवान बुद्ध हार गया है, हर जगह में ये न्यूज चल गया। हर जगह में जाते जाते राजा का महल में भी ये न्यूज आ गया। उस दिन कौशल राजा मल्लिका को बताया, मल्लिका कौन है, पत्नी अपना मल्लिका, ये तथागत भगवान बुद्ध जी बताए क्या ये प्रिय चीज से ही शोक दुख पछताव चिंता ये सब उत्पन्न होता है। देखिए थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, इतना बड़ा शास्त्र होने के बाद
तो मालिका लेकिन श्रद्धावान, मालिका भगवान के बारे में जानती है। मालिका बताई, नहीं महाराज, जो भगवान बुद्ध कुछ ना कुछ बताता है उसी उसी में कुछ ना कुछ अर्थ है। आलतू पालतू एक शब्द तथागत अपना मुंह से नहीं निकालता है। ऐसे तो मालिका इसका महाराज बताया, अरे मालिका तुम तो भगवान बुद्ध जो बोलता है वो तुम अनुमोदन होता है, तुम खुश होता है उसी में, तुम तो कब तुम तो भक्त है, तुम कभी गलत सही समझता नहीं है। बताए महाराज, भगवान बुद्ध तो जो कुछ बताया तो बताया, वो एकदम पक्का सही है। ये ऐसा बात है, अपना गुरु अपना शिष्य को जो कुछ कहता है वो सच ही कहता है, वही सही है। वो बोलता है, महाराज बोलता है, नहीं नहीं मालिका तुम कहता है जो गुरु जो कुछ गुरु कहता है, इसके बाद चेला बोलता है जी 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 वैसा है तुम्हारा बात। ऐसे बोल के हमको बोल रहा है भगवान बुद्ध जो कुछ कहता है वो सही है, जाओ जाओ इधर से मेरा नजर से भाग जाओ, आता है हमको सिखाने। ऐसे करके मालिका को भगा दिया। इसके बाद मालिका नालीजंग ब्राह्मण को बुलाया, नालीजंग ब्राह्मण को बुला के बताया, ब्राह्मण आइए आप भगवान बुद्ध के पास जाइए, जाकर के भगवान बुद्ध को चरण मेरा नाम से नमन करके सुख दुख पूछ लीजिए, ये बात भी पूछ लीजिए कि तथागत आप जो एक बात बताए, प्रिय चीज से दुख उत्पन्न होता है, प्रिय चीज से अफसोस चिंता तकलीफ कष्ट उत्पन्न होता है, ये इसके बारे में तथागत से अच्छी तरह से पूछ के आइए। इसके बाद वो नालीजंग ब्राह्मण ठीक बता के भगवान बुद्ध के पास आकर के भगवान बुद्ध के नामन करके एक और बैठ के बताया, तथागत मालिका देवी आपका चरण नमन करने के लिए आपका चरण नमन करती है, आपका सुख दुख पूछती है और आपसे पूछती है। तथागत एक दिन बताया है कि प्रिय चीज से सुख दुख चिंता तकलीफ कष्ट दुख मिलता है वो कैसे होता है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताया, ब्राह्मण वो बात तो वही सही है कि प्रिय चीज से ही शोक दुख तकलीफ चिंता सब कुछ उत्पन्न होता है। ब्राह्मण ये बात एक उदाहरण से भी समझ सकता है। ये पहले एक बात हुआ है, कथा है, पहले एक बात हुआ है, वो क्या है, ये श्रावस्ती में एक औरत का माताजी मर गई, माताजी का मृत्यु से ये औरत पागल जैसा हो गया, मन क्या हो गया, बिगड़ गया, रास्ता की ओर से, गांव की ओर से ये जा के पूछ रही है, मेरा माताजी देखी है, मेरा माताजी जी कहाँ है, ऐसे करके पूछ के रोते इधर उधर घूमती है। वैसे ही है, प्रिय चीज से ही ये दुख उत्पन्न हो गया, उसको पागल हो गया प्रिय चीज के कारण। ब्राह्मण ऐसी भी ये बात समझ सकता है, ये भी पहले हुआ है। ये श्रावस्ती में एक औरत का पिताजी मर गई, वो औरत अपना पिताजी मरने के कारण बहुत पछताने लगा, वैसे ही रो पागल हो गया, भाई मरने के कारण पागल हो गया, और कोई लोग अपना बहन मरने के कारण पागल हो गया, अपना बेटा मरने के कारण पागल हो गया, और लोग अपना बेटी मरने के कारण पागल हो गया, अपना पति पत्नी मरने के कारण पागल हो गया, मन बिगड़ गया, रास्ता की ओर से जा के पूछ रहा है, मेरा पति को देख, मेरे पत्नी को देख, ऐसे रोते जा रहा है पागल होके।
और ऐसा भी समझ सकता है ये बात को। एक पुरुष का एक माँ था जो मर गया श्रावस्ती में, पहला हुआ है बात, वो अपना माँ को मारने के कारण दुख से पागल हो गया और उसका परिवार मर गया उसके कारण वो पागल हो गया, और एक परिवार का ऐसा दुर्घटना हो गया बेटा मर गया पागल हो गया, और एक परिवार का अपना पति मर गया पागल हो गया, अपना पति नहीं मर गया पागल हो गया, चित्त विक्षेप हो गया, चित्त मन विक्षेप, विक्षेप मतलब पागल, पागल जैसा हो गया मन। ब्राह्मण ये ऐसे भी ये समझ सकता है, ये श्रावस्ती में ही एक शहर का एक औरत अपना ज्ञाति परिवार का कुल में गया, मतलब शादी के लिए चल गया, लेकिन उसका रिश्तेदार लोग वो अपना पति से हटा के दूसरा किसी और को शादी करवाने के तैयार हो गया, लेकिन वो पसंद नहीं हुआ वो बात पर, तो स्त्री अपना पति कैसे बताया, आरे पुत्र मेरे स्वामी आपका रिश्तेदार लोग अभी तैयार है हम दोनों विदा करने के लिए, उसके लिए मैं पसंद नहीं हूं। इसके बाद ये पुरुष ऐसे बात बताया, ठीक है हम दोनों को शादी करने के लिए इन लोग नहीं देता है, इसीलिए हम लोग अगले जन्म में मिलेंगे, ऐसे बोल करके दोनों लड़का लड़की तलवार से या खुदकुशी कर लिया। ये होता है प्रिय चीज से, अगर दोनों का प्रिय प्यार नहीं है तो क्या कष्ट, अभी भी होता है ना लोग लड़का लड़की प्यार हो गए इसके बाद दोनों दोनों को घर से पसंद नहीं है दोनों भाग गया या दोनों खुदकुशी कर लिया या दोनों अभी कुछ दिन पहले हम लेटर में देखे श्रीलंका में एक कहानी है, वो मिलिट्री वाला लड़का एक घर का बड़ी वाली बहन के साथ प्यार हो गया, इसके बाद तो छोटा बहन के साथ भी प्यार किया, बड़ी वाली बहन छोटी वाली बहन दोनों के साथ प्यार किया, दोनों जान गए लेकिन दोनों मिलजुल के उसको प्यार किया है। इसके बाद ये घर से मालूम हो गया, घर को घर बहुत बार बहुत बहुत बार मना किया, मना करने पर भी बहुत मना करने पर इन तीनों बातचीत करके पेड़ के ऊपर रस्सी लेकर के गया, तीनों लटक गया रस्सी 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 लगा के, देखा ना फोटो, तीनों लटक गया किसके कारण, प्रिय चीज के कारण, प्रिय मतलब प्यार मतलब प्रिय है, प्रिय समझता है ना, सब कुछ प्रिय है ना, प्रिय चीज से दुख उत्पन्न होता है। ऐसा बोलने के बाद नालियांग ब्राह्मण भगवान बुद्ध के बात को बहुत खुशी मन से स्वीकार करके देवी के पास गया, जाकर के भगवान बुद्ध के साथ जो कुछ बातचीत हो गया वो सब कुछ मालिका को बताया, मालिका कोसल राजा के पास गया, जाकर एक बताया महाराज आप क्या सोचते हैं, ये वज्री कुमारी ये वज्री बेटी का बेटी है राजा का, वज्री बेटी आपको प्रिय है क्या प्यार है क्या, अरे मालिका तुम क्या पूछ रही है, वज्रा बेटी मुझे बहुत प्रिय है, ऐसे तो महाराज अगर वजीर बेटी का मृत्यु हुआ तो आपको कोई दुख तकलीफ कष्ट नहीं होता है, अरे मालिका वजीरा वजीरी बेटी का कुछ भी दुख में मृत्यु हो गया तो मेरा जान भी जा सकता है, ऐसे है तो दुख तकलीफ के बारे में क्या बात है, मेरा मृत्यु हो सकता है मेरा हार्ट अटैक आ सकता है दिल फट सकता है, इतना हम प्यार करते हैं वज्री को, ऐसे है तो दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा चिंता का बात क्या है। महाराज
सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले तथागत भाग्यवत अरहत सम्मा संबुद्ध जो कुछ कारण बताया कि प्रिय चीज से ही दुख उत्पन्न होता है, प्रिय चीज से ही कष्ट तकलीफ चिंता परेशानी सब मिलता है, उसी के लिए बताए हैं। इसके बाद बताए महाराज आप वासव खत्या को प्यार करते हैं। इस वासव खत्या मतलब कौन है? जो किसान है। वासव खत्या के बारे में हम आपको एक दिन बताए हैं। विडूडव का मम्मी, विडूडव को हम आप लोग को एक दिन बताए हैं। विडूडव है साके पर अटैक किया है, एक राजा है, विडूडव राजा साके परिवार को नाश किया, नाश किया है, साके परिवार को अटैक किया। तो विडूडव ने अटैक किया तो वासवकत्या विडूडव राजा को माता है, तो वासवकत्या कौन है? कोसल राजा ने बताया हमको साके परिवार के कोई चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध साके परिवार के हैं, सभी लोग साके परिवार को इज्जत करता है, भगवान बुद्ध भी अच्छा बोलता है साके परिवार को, तो हमको भी साके परिवार से एक लड़की चाहिए। लेकिन साके लोग बताया हम लड़की नहीं देंगे, लेकिन नहीं बताए नहीं, लेकिन देना पड़ता है मजबूरी, महाराजा है, नहीं दिया तो अच्छा नहीं लगता है। तो महानाम साक्य, महानाम साक्य राज एक नौकरानी के साथ गलत संपर्क करके एक बेटी मिला नौकरानी के साथ, वो नौकरानी का नाम है वासव खत्या, वो नौकरानी का बेटी ये साक्य कुमारी जैसा सजा के राजा को शादी करवाया। इसके बाद राजा को तो उसका प्रॉब्लम नहीं, लेकिन विडूडव राजा को ऐसा असाधारण के ऐसे समझ के अपमान के समझ के अटैक किया है। नहीं सुना है पहले? नहीं। हाँ, किसको बैठ के बताया? वही है वासव खत्या। तो बताए वासव खत्या को आपकी प्यार है, बाप रे बहुत प्यार करता है। अगर वासव खत्या मर गया तो क्या बोलती है? वासव खत्या मर गया तो हम भी मर जाएगा, इतना ही मैं प्यार करता हूँ वासव खत्या को। तो ऐसे है तो दुख तकलीफ के बारे में क्या बात है। इसीलिए तो महाराज सब कुछ देखने वाले, सब कुछ जानने वाले तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जी इसीलिए बताया प्रिय चीज से दुख तकलीफ चिंता कष्ट सब परेशान मिलता है। इसके बाद बताया आप विडूडव सेनापति को प्यार है क्या? हाँ प्यार है। अगर विडूडव राजकुमार मर गया तो बताया हम भी मर जाएगा। विडूडव राजकुमार मर गया तो आपको कोई दुख मिलता है? दुख क्या है, हम भी मर सकते हैं, दुख के बारे में क्या बात, दुख चिंता के बारे में। इसके बाद बताया ये कोसल जनपद में रहने वालों का आपको प्यार है, वो भी वैसे ही बताया है। इसके बाद आप मुझे प्यार है, तुमको प्यार है, किसको प्यार करेंगे? अगर मुझे कोई महा मैं मर गई तो अशुभ बात बोलती है, चुप नहीं। अगर हम मैं मर गई तो तुम मर गए, मैं मर गए तो आपको दुख मिलता है? तेरा मुंह हमको तुम दुख के बारे में बोलता है, मेरा दिल धक धक करता है तुम मृत्यु के बारे में बोलती, तुम मर गए तो हम भी मर जाएगा, मैं भी मर जाएगा, इसीलिए दुख के बारे में क्या बात है। इसीलिए महाराज भगवान सब कुछ जानने वाले देखने वाले भगवान बुद्ध ने इसीलिए बताया कि प्रिय चीज से दुख शोक चिंता आंसू ये सब कुछ मिल जाता है प्रिय चीज से, इसीलिए बताया। इसके बाद बताया मालिका आश्चर्य है, मालिका अद्भुत है, मालिका वो तथागत भगवान बुद्ध की प्रज्ञा से मुझे लगता है वो भगवान बुद्ध मिहिर प्रज्ञा से सब कुछ छेद करके देखता है, इतना ही गहरी प्रज्ञा है, ज्ञान है। मालिक आओ मेरा मुंह धोने के लिए पानी लेके आओ,
इसके बाद कोसल राज अपना सोल लेकर के जिस दिशा में भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध तरफ मुंह करके तीन बार बताया, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, ओ भाग्य तरह सम्मा संबुद्ध को मेरा नमन हो। ये ही प्रिय जाति खत्म नहीं अभी, ये प्रिय जाति का सूत्र। तो अब समझ गया, प्रिय चीज से विदा होता है, प्रिय चीज से दुख मिलता है, सारे चिंता दुख तकलीफ टेंशन सब कुछ प्रिय चीज से ही मिलता है। अगर विष्णु को सुनने में आ गया तो भाई बीमार पड़ गया घर में, कोई टेंशन तो नहीं है कि उतना प्रिय प्यार नहीं है। विष्णु को सुनने में आया था सोना बीमार पड़ेगा, पूरा रोवाई छूट जाएगा ना, देखने जाएंगे ऐसा किसे, और इतना मामूली बात नहीं। इसलिए देखिए आप लोग को हम ऑफ